नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आप विदेश की यात्रा करेंगे या विदेश में जाके आप बसेंगे और किस समय आप विदेश की यात्रा करेंगे, वो सारी बातें इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है और ये निम्न मंगल से चलकर ऊर्ध्वमंगल की तरफ जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, विचारों की रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से ये हमारी बुध के छेद से चलकर गुरु के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि प्रेम की रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले विदेश जाने का जो मन की स्थिति होती है, हमारा चंद्रमा बताता है। मन का अधिकार चंद्रमा के ऊपर है। जैसे हम किसी चीज को गहराइयों में सोचते हैं तो हमारा मन कितना गहराइयों में ढूंढता है उस चीज को, हमारे मन का अधिकार है। और इसी प्रकार से अगर मन हमारा खुश होता है तो हम कई बार क्या करते हैं, अपनी यात्राओं के बारे में सोचते हैं कि हमने अपने देश से एक दूसरे देश की यात्रा करना है। कई बार पैसे कमाने के माध्यम से हम विदेश की यात्रा करते हैं, कई बार हम पढ़ाई के माध्यम से विदेश की यात्रा करते हैं, कई बार हम घूमने के ही लिए विदेश की यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले यह हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है, इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं। चंद्रमा का पर्वत, चंद्रमा का पर्वत विदेश भेजने के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा के क्षेत्र पे छोटी रेखाएं छोटे छोटे यात्राओं को दर्शाता है और हस्तरेखा का एक नियम है। चंद्रमा आपका उच्च का होना चाहिए और ग्रहों की स्थिति होनी अच्छी चाहिए, उसके ऊपर कोई बुरे चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर बुरे चिन्ह होते हैं तो आपको यात्राओं में परेशानी का कारण बनता है, या तो आपके पैसे डूब जाते हैं या आपकी यात्रा सफल नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से जैसे कि जब भी यात्राओं की बात करते हैं तो चंद्रमा को ही हम देखते हैं और यहीं से एक रेखा निकलकर इस चंद्रमा के क्षेत्र से अगर एक रेखा गुरु के पर्वत तक पहुंची, इसका मतलब आप विदेश की जो यात्रा करेंगे वो आप अपने पढ़ाई के माध्यम के लिए करेंगे और यहीं से एक रेखा चंद्रमा के क्षेत्र से निकल के शनि के पर्वत तक जाती है। ऐसे लोग जो विदेश की यात्रा करेंगे वो अपने जॉब के लिए करेंगे, अपने व्यवसाय के लिए काम करेंगे और यहीं से एक रेखा आपकी बुध के क्षेत्र पे जाती है चंद्रमा से। तो ऐसे लोग बिजनेस और व्यापार के लिए विदेश की यात्रा करते हैं। और इसी प्रकार से आप कब जाएंगे वो स्थिति देखने के लिए हम अपने जीवन रेखा के ऊपर ही इसका गणना करते हैं। और सबसे पहले इसके साथ ही भाग रेखा प्रबल होना जरूरी है। भाग रेखा आपकी प्रबलता आपके कामकाज को दर्शाती है, आपके व्यापार को दर्शाती है। भाग रेखा सफल हो, आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे आपको वहां पर सफलता ही सफलता मिलती है। भाग रेखा मजबूत है, आप एक सफलता की कुंजी मान लेते हैं। कोई भी काम करता है
तो उस काम में सफल हो जाता है। हमारी शिखर जो हमारा एक रास्ता है, हमारा एक व्यवसाय है, वो हमारी सफलता रेखा, हमारी भाग रेखा ही दर्शाती है। इसी प्रकार से हम जीवन रेखा के ऊपर एज का कैलकुलेशन करते हैं कि किस समय हमने यात्राएं करनी है। अभी हम 7 साल से लेते हैं, जैसे कि कहते हैं ना 7 दिन होते हैं, 7 देवियां होती है, तो वैसे हम 7 अंकों की गिनती जो करते हैं वो काफी महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। ये 7 साल हो गया, ये 7, ये 14, ये 21 और ये 28 और ये 35 और ये 42 और ये 49 और ये 56 और ये 63 और ये 70। इस एज में जब भी जीवन रेखा से कोई एक रेखा मिलती है, अब ये जीवन रेखा से, अब ये 35 साल की एज पे चंद्रमा से संयोग बना रही है, आप 42वें साल पे विदेश की यात्रा करेंगे और यहां पर अगर इसी विदेश यात्रा के ऊपर या फिश की साइन बन जाती हो, ये फिश की साइन बन जाए तो आप जाके ये दिखाती है कि आप विदेश में शादी करेंगे, और यहां पर अगर स्टार भी बन जाए, ये संकेत उसी चीज को दिखाता है, उसी चीज को दर्शाता है। इसी प्रकार से अभी हमने एज का लिया, अब हम देखते हैं कि जैसे हस्तरेखा में चंद्रमा होता है, इसी प्रकार से एक दम रखता है जो विदेश भेजने का काफी अहम भूमिका निभाता है, वो राहु है। राहु का क्षेत्र कहां पे होता है उसको हम देखते हैं। राहु एक तरह का बहुत बड़ी पावर देता है विदेश भेजने में। अगर आपके राहु के अंदर पावर है, शुभ उसमें लक्षण है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो राहु विदेश भेजने में दम रखता है, ऐसे लोग सफल भी होते हैं। अब ये राहु का क्षेत्र है, ये राहु का क्षेत्र है। राहु एक तरह का ऐसे प्लैनेट है जो थोड़े से समय में ज्यादा चीजें और ज्यादा चीजें दे दे, वो दम रखता है राहु। और राहु के अंदर पावर है बाहर भेजने की, और ऐसे लोग बाहर जाने में सफल हो जाते हैं। इसके ऊपर जैसे कोई दीप ना हो, ये दीप ये आपको क्या करेगा, विदेश में जाने पे कई प्रकार की अड़चने आपको आएंगी, दिक्कतें आएंगी, और जाते जाते आपको या तो पैसे डूब जाएगा या आपको जिस जगह पे जाना है सफलता नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से यह रेखाएं चंद्रमा के क्षेत्र से टूटी टूटी हों, ये भी विदेश भेजने के नाम पर आपको बहुत तरह की दिक्कतें आएगी, विदेश ना के बराबर हो जाएगी। और यही रेखा अगर राहु से निकलकर गुरु के पर्वत पे चली जाए, ये विदेश भेज देगा आपको। और यहीं से एक रेखा शनि के पर्वत पे चली जाए, ये भी आपको विदेश भेज देगा। और यहीं से एक बुध के पर्वत पर चली जाए, ये भी आपको विदेश भेजने का संकेत देता है। और यहीं से एक मंगल की तरफ, ये आपके विदेश भेजने की है। और यहां पे बुरे चिन्ह ना हो, साथ में भाग रेखा प्रॉपर हो, तो आप विदेश की यात्रा अवश्य करेंगे और अपने जीवन में अधिक से अधिक धन कमाएंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।